मामला भिंड जिला चिकित्सालय का है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मेडिसिन को कुएं में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था। यदि वो बायो बेस्ड मेडिसिन थी तो उसे जैविक कचरा घर में ना फेंकते हुए कुएं में फेंका जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलाने जाने के बाद खबर का असर हुआ। डॉक्टर अनिल गोयल ने कार्यवाही करते हुए चार स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया, जिसमें सुरेंद्र, आकाश, आनंद, सफाई कर्मी और वार्ड बॉय निरंजन शामिल है। प्रथम नेशनल कंपनी के ऊपर कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दो सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित कर जांच कर कार्यवाही की गई। मामला क्या कार्रवाई? ये दवा उनको बायोमेडिकल वेस्ट कमरे में ले जाना था, जो कि वहाँ ले जाते हुए ये लोग कुएं की तरफ ले गए हैं और उन्होंने डंप किया है। ये बहुत ही अनुचित है तथा नियम विरुद्ध है। इसके जैसे ही संज्ञान में आया मेरे, मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन जो सफाई कर्मी थे उनको हटा दिया गया है। जो बाड़वाई संघ में था उसको भी हमने हटा दिया, स्टोर से हटा दिया गया है। और अभी जांच दो सदस्यीय टीम की जांच गठित की गई है, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह और डॉक्टर जी एस यादव हैं। उसकी रिपोर्ट भी बना के देंगे। प्रश्न, ये कौन सी कंपनी के तहत कर्मचारी लगे? ये प्रथम नेशनल कंपनी के कर्मचारी। कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? जी, कंपनी पर भी हमने 5,000 रुपये पेनल्टी लगाई है। क्या उद्देश्य क्या था सर? मालूम पड़ पाएगा कि क्यों ऐसा किया गया, जबकि इसके लिए नियत जगह है, नियत सब कुछ है।